दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। गौतम अडानी के मुद्दे पर सरकार बुरी तरह से घिर गई है। जिस गौतम अडानी के साथ कभी मोदी जी अपनी तस्वीरें जग जाहिर करने से बचते भी नहीं थे, जो बकायदा प्रधानमंत्री मोदी के डेलीगेशन का हिस्सा रहा करते थे, उनकी सरकार इस मुद्दे पर ऐसे बच बच कर बयान दे रही है कि पूछिए मत। जिस एक अमेरिकी रिपोर्ट ने अडानी के अरबों के साम्राज्य को एक तरह से डेंट पहुंचा दिया है, नुकसान पहुंचा दिया है, जिस रिपोर्ट से 5 दिन में निवेशकों को करोड़ों की चपत लग चुकी है, जिस रिपोर्ट के बाद विपक्ष सरकार से चर्चा की मांग के साथ जांच की बात करते हुए संसद चलने नहीं दे रही, उस रिपोर्ट से सरकार ने सीधा सीधा पल्ला झाड़ लिया है। ये देखिए, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने साफ कह दिया है कि अडानी हिंडनबर्ग मामले से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। यानी जो अडानी मोदी जी की तारीफ करते नहीं थकते थे, उस अडानी से मोदी सरकार ने साफ तौर पर हाथ खींच लिए हैं। इस बीच बीजेपी के पूर्व सांसद और मोदी सरकार की नीतियों के सबसे बड़े आलोचकों में से एक सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी को सलाह देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को गौतम अडानी की तमाम संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन कर देना चाहिए। स्वामी ने तंज कसते हुए कहा है, मोदी को मेरी सलाह, अडानी समूह की तमाम व्यावसायिक संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण कर दें, ताकि बाद में नकारात्मक भुगतान की स्थिति में उनकी नीलामी की जा सके। यानी सुब्रमण्यम स्वामी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ इशारा कर रहे हैं व्यंग भरे अंदाज में, कि कल को अगर अडानी जो कर्ज उन्होंने लिया हुआ है वो वापस ना कर पाए तो उनकी संपत्तियां जो सरकार ने जब्त की हैं उसको बेचकर सरकार मुनाफा कमा ले या अपना जो घाटा है वो पूरा कर ले। इसके अलावा स्वामी ने एक और ट्वीट करते हुए कहा है, मेरा मानना है कि मोदी सरकार अडानी को धीरे धीरे एक निराशाजनक मामले के रूप में खारिज कर रही है। इजी कम इजी गोज। लेकिन क्या वाकई ऐसा है दोस्तों? मोदी सरकार पिछले 8 सालों में बहुत ही वोकल रही है, बहुत ही वोकल सरकारों में से एक रही है। वो कुछ करे ना करे बातें बहुत करती है, या आप और हम जानते हैं। मोदी जी के लिए तो ये भी कहा जाता है कि वो लोगों से सीधा संवाद स्थापित करने में माहिर हैं। मन की बात से लेकर परीक्षा पर चर्चा, ऐसा कोई इवेंट, ऐसा कोई मुद्दा कभी रहा है? आप खुद जानते हैं कि जब मोदी जी ने खुद सामने आकर बयान नहीं दिया है या सीधे लोगों से बात नहीं की है, ऐसा शायद ही कोई राज्य रहा हो जहाँ पिछले 8 सालों में चुनाव हुए और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पार्टी के लिए प्रचार न किया। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इस मामले में बात बात पर बात करने वाली सरकार, बयान देने वाली सरकार बिल्कुल खामोश है, पल्ला झाड़ लिया उसने। अमेरिका की एक रिसर्च फर्म ने भारतीय शेयर बाजार में कत्लेआम मचा दिया। अडानी के साथ साथ खुद मोदी जी के उनके साथ दोस्ती पर सवाल खड़े हो गए। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है और सरकार कहती है कि उसका इस चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। हालांकि अब खबर आई है कि अडानी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने शुरुआती समीक्षा शुरू कर दी है। दोस्तों, विपक्ष का आरोप है कि सरकार दरअसल इस मामले से ना बच नहीं रही है, चुप रहकर अडानी को बचा रही है। क्योंकि विपक्ष के हिसाब से अडानी एक्सपोज मतलब मोदी एक्सपोज। विपक्ष के आरोपों में आपको कितनी सच्चाई लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को ज्वाइन भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।